रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड टू, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर नंबर टू ऑफ सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। और आज हम पढ़ेंगे उसका यूनिट नंबर टू, विच इज़ अबाउट लर्निंग गुड हैबिट्स। यानी जो हमारा यूनिट नंबर टू स्टार्ट हम कर रहे हैं, उसका टॉपिक क्या है? लर्निंग गुड हैबिट्स। लर्निंग मीन क्या होता है? सीखना, किसी भी चीज़ को सीखना। गुड हैबिट्स, हैबिट कहते हैं आदत को, हमारी जो आदतें हैं वो क्या हैं? हैबिट्स, लर्निंग गुड हैबिट्स। अब हम गुड हैबिट्स जो है वो कहाँ से सीखते हैं? तो आज जो हम लेक्चर, जो हमारा टॉपिक है वो है योर स्कूल। यानी ये रिलेट किससे कर रहा है? गुड हैबिट्स से। यानी हम स्कूल क्यों आते हैं, हम स्कूल ज्वाइन क्यों करते हैं? हम स्कूल इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि हम गुड हैबिट्स सीख सकें। हम लोग घर में भी किताबें पढ़ सकते हैं, वहाँ घर में भी सीख सकते हैं राइटिंग करना या नंबर्स के बारे में, लेकिन उसके बावजूद हम लोग स्कूल्स में क्यों एडमिशन लेते हैं? हम स्कूल्स क्यों आते हैं? हम स्कूल इसीलिए आते हैं ताकि हम लोग ये चीज़ें सीख सकें कि हमने अपनी सोसाइटी में किस तरह से रहना है, हमने अपने अंदर कौन कौन सी हैबिट्स जो हैं वो पैदा करनी है, किस तरह से लोगों से शेयरिंग करनी है, किस तरह से मिलना जुलना है, बैठने का, उठने का, खाने पीने का, ये सारे मैनर्स, सारे एटिकेट्स जो हैं वो हम कहाँ पर सीखते हैं? हम स्कूल में सीखते हैं। और स्कूल के टाइप्स क्या हैं? स्कूल के बेसिकली थ्री टाइप्स हैं। सबसे पहला है प्री प्राइमरी स्कूल। आप लोग इस चीज़ से फेमिलियर हैं, आप लोग जानते हैं कि प्री प्राइमरी स्कूल क्या होता है, जिसको आप प्री स्कूल भी कहते हैं। यानी प्री प्राइमरी स्कूल, जहाँ पे आप जब आप बहुत छोटे होते हैं, लाइक टू ईयर्स के, टू एंड हाफ ईयर एंड थ्री ईयर, तो आपको स्कूल में भेजा जाता है ताकि आप कुछ अच्छी आदत जो हैं वो सीख सकें, अच्छे लोगों में, टीचर्स आपको बैठने का, आपको खाने का, आपको स्पून पकड़ने का, आपको ग्लास होल्ड करने का, ये सारे जो हैं आपको एटिकेट्स जो हैं वो सिखाता है। तो प्री स्कूल में असल में क्या सीखते हैं हम लोग? हम अगले स्कूल की तैयारी करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा है प्राइमरी और जूनियर स्कूल। यानी अब आप ग्रेड टू में हैं, तो नाउ यू आर इन प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल। उसके बाद हमारा जो है वो सीनियर स्कूल स्टार्ट हो जाता है। अब क्लास वन से लेकर क्लास फाइव तक जो है वो हमारा प्राइमरी या जूनियर स्कूल आते हैं। हमारे सिक्स से टेंथ तक के जो क्लासेस हैं, जो ग्रेड्स हैं, वो हमारे आ जाते हैं सीनियर स्कूल में। सीनियर स्कूल में जब स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेता है, मीन्स के उसने अपना मैट्रिक क्लियर कर लिया, मैट्रिक उसका ख़त्म हो गया, तो आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट्स आप लोग कहाँ जाते हैं? कॉलेज में जाते हैं, और कॉलेज में अपनी फर्दर स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखेंगे कि प्लेसेस एट स्कूल्स, कि स्कूल्स में कौन कौन सी मुख्तलिफ प्लेसेस होती हैं, कौन कौन सी मुख्तलिफ जगहें होती हैं। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफिस। यानी मेन जो पॉइंट है स्कूल का वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफिस। उसके बाद जो हमारा स्टूडेंट्स से रिलेट करता है, जो मेन जगह वो क्या है? वो है क्लासरूम्स। यानी आपकी कमरा जमात, यहाँ पे आपने बैठ के सीखना होता है, पढ़ना होता है। उसके बाद है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ पे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की बुक्स जो हैं वो रखी होती हैं, जहाँ पे आप जाके अपनी जो है वो स्टोरीज रीड कर सकते हैं, या अपने कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कोई भी चीज़ जो है वो उसको आप पढ़ सकते हैं। यानी बेसिकली जो है वो पढ़ने की जगह होती है, उसको हम कहते हैं लाइब्रेरी। उसके बाद आ जाती है कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में आप कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो आप वहाँ पर करते हैं, कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, उसको किस तरह से ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें आप कंप्यूटर लैब में सीखते हैं। उसके बाद है साइंस लैब। साइंस लैब में आप क्या करते हैं? वहाँ पर साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं हमने, प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, वो सारे हम कहाँ करते हैं? वो हम साइंस लैब में करते हैं। उसके बाद है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप अपने रिसेस टाइम में, अपने फ्री टाइम में आप खेलते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं या कोई भी गेम जो है, आउटडोर गेम जो है, वहाँ पर आप प्ले करते हैं। एंड देन टक शॉप, यानी कि कैंटीन, जिसको आप कैंटीन बोलते हैं। तो ये भी एक क्या है? एक स्कूल की प्लेस है, स्कूल की जगह है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने पढ़ा कि हम स्कूल में क्यों आते हैं, स्कूल में कौन कौन सी जगह हैं, तो स्कूल की कितनी टाइप्स होती हैं। चलिए मैं आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि हम स्कूल में, अब तक आप टू ग्रेड तक आप लोग स्कूल में आए हैं, तो आप लोगों ने क्या क्या स्कूल में सीखा है? व्हाट यू लर्न इन स्कूल?
टिल नाउ, यानी अब तक आप लोग स्कूल में क्या डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो सीख चुके हैं, उसकी आपने एक लिस्ट बनानी है और वो आपने हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करनी है विद योर नेम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू लर्न इन स्कूल. क्या आप स्कूल में सीखते क्या हैं? पहले मैंने आपको बताया कि स्कूल जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम गुड हैबिट्स सीखते हैं. गुड हैबिट्स के साथ साथ हम लोगों ने, आपने देखा है, हम स्कूल में बैग्स लेकर आते हैं, पढ़ते भी हैं. तो क्या चीज़ें हम सीखने आते हैं? राइटिंग, यानी मेन चीज़ क्या हम सीखते हैं? पहले तो हम चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, फिर हम उसके बाद उसको लिखना सीखते हैं कि उसको किस तरह से राइट किया जाए. जैसे आपने ए का साउंड सीखा, उसके बाद आपने ए को लिखना सीखा, तो ये सारा क्या है आपका स्कूल में जो आप चीज़ें सीखते हैं. देन नंबर्स, यानी नंबर्स के बारे में आप सीखते हैं, 1, 2, 3 के नंबर्स को आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, कहाँ पे आपने नंबर अप्लाई करने होते हैं. उसके बाद आप पेंटिंग सीखते हैं, पेंटिंग में किस तरह से चीज़ों को ड्रॉ किया जाता है, उसमें कलर फिल किए जाते हैं, कोई नई चीज़ क्रिएट करना, कुछ भी, इस तरह से आप चीज़ें यहाँ पे स्कूल में सीखते हैं. डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अब हम यहाँ पे स्कूल में हम आते हैं, हमारे पास बुक्स हैं, तो उसके हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स जो हैं वो हम अपने साथ लेकर आते हैं. सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है लैंग्वेजेस. आपको पता है हम अपने डेली रूटीन में बहुत सी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, मतलब कुछ लोग जैसे पठान हैं वो पश्तो बोलते हैं, सिंधी हैं सराइकी बोलते हैं, पंजाबी हैं वो पंजाबी बोलते हैं. इसी तरह से हम स्कूल में जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं, जिनमें से मेजर जो हमारी लैंग्वेजेस हैं जो हम स्कूल में सीखते हैं वो 2 हैं. एक है उर्दू लैंग्वेज और एक है इंग्लिश लैंग्वेज. उर्दू लैंग्वेज हम क्यों सीखते हैं? उर्दू लैंग्वेज हम इसलिए सीखते हैं बिकॉज इट इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, ये हमारी कौमी ज़ुबान है. और इंग्लिश हम क्यों सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज? क्योंकि ये हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और बाकी कंट्रीज़ में भी इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है. उसके अलावा हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स में हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि नंबर्स को कहाँ पर यूज़ किया जाता है. आप लोग को मार्केट जाते हैं कुछ ना कुछ चीज़ लेने, आपके पास 10 रुपीज़ है, आपने जाके शॉपकीपर को दिए जी 10 रुपीज़ की, या मुझे कुछ चीज़ दे दो, वो 8 रुपीज़ की आती है. अब आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना कि ये चीज़ 8 रुपीज़ की है, तो उसने शॉपकीपर ने आपको वापस कितने रिटर्न करने हैं. तो ये चीज़ें हम सारी जो हैं वो कहाँ सीखते हैं? मैथमेटिक्स में. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट है जो कि हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारा डेली रूटीन में सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. उसके बाद हम पढ़ते हैं सोशल स्टडीज़. सोशल स्टडीज़ में हम जो हैं वो 3 जो हैं वो थिंग्स जो हैं वो पढ़ते हैं, जिसमें ज्योग्राफी पढ़ते हैं हम, हिस्ट्री पढ़ते हैं और सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं. ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हैं? ज़मीन का इल्म है कि ज़मीन में हमारे वर्ल्ड में जितने भी कितने कॉन्टीनेंट्स हैं, कितने ओशंस हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ज्योग्राफी में आ जाती हैं. उसके बाद हिस्ट्री, यानी हमसे पहले जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे, उनका क्या रहन सहन था, वो क्या फूड खाते थे, उनके रिलीजन क्या थे, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं? हिस्ट्री में. सोसाइटी यानी हमारे माशरे में, हमारा माशरा जो है वो किस तरह से है, माशरे में क्या क्या जो है वो कंपोनेंट्स हैं, माशरा किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, माशरे में रहने के एटिकेट, सारे तरीके. अब जैसे हम ये स्कूल के बारे में पढ़ें तो ये हमारा सोसाइटी में आता है. तो इसी तरह से हम सोशल स्टडीज़ में ये 3 मेजर चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं. उसके बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्ट साइंस. साइंस में हम क्या सीखते हैं? साइंस में हम प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, अर्थ के बारे में, ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपने साइंस के सब्जेक्ट में सीखते हैं. उसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में गेम्स आ जाती हैं आपकी, ये सारी कि आपको किस तरह से गेम्स हम क्यों प्ले करते हैं, स्पोर्ट्स हम क्यों करते हैं, ताकि आप, तो स्पोर्ट्स में हम लोग गेम्स, यानी गेम्स हम क्यों प्ले करते हैं, खेलते हैं, कि जो हमारी बॉडी को एक्टिव रखती है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है. उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. और मैं अपना क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि हम स्कूल में क्या क्या सीखते हैं, यानी अब से शुरू से लेके अब तक, यानी ग्रेड 2 तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा है स्कूल में आके, वो सारी चीज़ों की आपने लिस्ट बना के हमें सेंड करनी है. तब तक अल्लाह हाफिज़.